अस्सलाम वालेकुम और वार्म वेलकम टू बकरे वालों की बात है यूट्यूब चैनल। आज असद भाई के साथ आए हैं पुरेजी में और माशाल्लाह से आज मैं आपको दुम्बो का शौक कराऊंगा और माशाल्लाह से दुम्बे देख के आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, ये भी बात की गारंटी है। तो एक एक करके दुम्बे देखेंगे और मैं उससे पहले बताना चाहता हूँ, मैं हमजा भाई के सेटअप पर आया हूँ। तो अभी हमजा भाई ने माशाल्लाह से बहुत शौक कर रखा है और थोड़ी सी डिटेल्स देते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई, ना अभी मुझे बताइए हम खुरेजी में कहाँ खड़े हैं एग्जैक्ट? हम खड़े हैं फाटक वाली गली में। फाटक वाली गली में, मतलब थोड़ा सा एड्रेस बताएं। मकान नंबर है 20X, जब भी आएंगे तो इधर मस्जिद की तरफ से आएंगे तो 20X पड़ेगा और इधर से आएंगे तो सुल्तान ढाबे के सामने वाली गली पड़ेगी। ठीक है, तो भाई अभी शॉप क्या कब से हो रहा है आपका? ये भाई हो गया इसको 4 साल हो गए। अच्छा अच्छा, दुम्बे ही आप शौक कर रहे हैं, बकरों का शौक क्यों नहीं? बकरों का शौक है ही नहीं, है ही नहीं, मजा ही नहीं आता। अच्छा, मजा है ना, वो मजा ही है, वो अलग ही बिल्कुल। अच्छा तो ठीक है, तो कभी मतलब बकरे पाले ही नहीं आपने? कभी दिल ही नहीं करा उनको पालने का। जो इनका शौक, जो एक बार पाल लेगा ना भाई इनको, वो कहता हूँ कभी पाल नहीं सकता। ठीक है, मैंने सुना है दुम्बो का चस्का है ना, वो बड़ा जबरदस्त है बकरों से भी ज्यादा। वो सच बात है, जिससे भी सुना है बढ़िया सुना है, और वो सच है कि इसका शौक जो है बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो भाई दुम्बो भाईन मुझे आप जरा दुम्बो की खासियत के बारे में बताएं थोड़ा सा। खासियत माशाल्लाह हमारे असद भाई बताएंगे, हमारे भाई सारी खासियत और सारी क्वालिटीज ये बताएंगे। ठीक है असद भाई, आप मुझे बताइए कि दुम्बो की क्या क्या क्वालिटीज है? दुम्बो में बहुत तरीके की क्वालिटी आती है। ठीक है, नगोरी दुम्बे आते हैं, गोल चकली के दुम्बे आते हैं, बड़े पाट के दुम्बे आते हैं, और इनमें दुम्बो के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, अभी जो यहाँ पे मौजूद है वो कौन से हैं भाई? हमारे पास इसमें चिरे हुए पाट के दुम्बे हैं, चिरे हुए पाट के, प्योर तुर्की दुम्बे। टोटल अपने पास जो है 4 नग हैं जी बड़े भाई, जिसमें से आप मुझे बताइए नर कितने और मादिन कितनी है? भाई 4 में से 2 नर हैं, 2 मादिन। ठीक है, अभी अब दुम्बो पे फोकस करते हैं। ये सब में आगे जो खड़ा हुआ हैवी वेट दुम्बा, ये कौन सी नस्ल में आ रहा है? ये प्योर तुर्की दुम्बा है। प्योर तुर्की भाई, ये मुझे देखने में भी कुछ ज्यादा मतलब खतरनाक सा लग रहा है, टक्कर मार के आदमी को गिरा दे। माशाल्लाह ऐसी ये है, बिल्कुल टक्कर मारने वाला और फुल मुआवजा बच्चा है। माशाल्लाह से मजा आ गया। असद भाई वजन कितना ले रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कम से कम, अभी इसका हाल फिलहाल 2 महीने पहले तोड़ा था, कम से कम 130 किलो। माशाल्लाह से असद भाई, अभी थोड़ी देर में डिटेल देने के बाद जैसे बाहर खुलवा कर भी देखेंगे। ठीक है, अब मुझे इसकी तरह चक्की की नॉलेज दीजिए थोड़ी सी भाई। इसकी देखो चक्की, चक्की बिल्कुल पकड़वाता नहीं है, माशाल्लाह। ये खासियत है ना चक्की का पार्ट भी है और गुलाबी है माशाल्लाह, गुलाबी। अरे हम आओ भाई ध्यान से, असल में वो खतरनाक है ना, थोड़े से एग्रेसिव हो रहते हैं। तो भाई मजा आ गया, अभी देखो अभी बाहर खुलवा करके देखूंगा ना, दिखाऊंगा तब आपको पता लगेगा माशाल्लाह से क्या खूबसूरत चीज है माशाल्लाह। असद भाई दूसरी लेते हैं, इसकी मादिल लेते हैं। ये मादिन है माशाल्लाह, मादिन भी माशाल्लाह से लाजवाब है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर हमारा एक ग्यावन है लेकिन गारंटी हम लेंगे नहीं, गारंटी नहीं लेंगे, गारंटी लेंगे नहीं, कच्ची ग्यावन मान लेते हैं, कच्ची ग्यावन मान सकते हैं। कितने महीने की है, कितने दिन की? भाई कम से कम 1.5 महीने की, 1.5 महीने की कच्ची मान के चलेंगे ना। बिल्कुल। ठीक है, और ये दांतों में कितनी है भाई? दांतों में 6 की माशाल्लाह, छोड़ दो सब भाई छोड़ दो। ठीक है, और ये तो दोनों है कि इनके बच्चे हैं? ये दोनों पहली ब्याहत में इसने 2 बच्चे दिए थे। अच्छा अच्छा, अभी जो इसका आएगा वो दूसरा ब्याहत आएगा ना? जी जी। ठीक है, और ये नर है इसका, आराम से माशाल्लाह से बच्चे जो है और शौक भी बहुत खूब शौक है माशाल्लाह। ह्यूमन रिप्रेड कर, ह्यूमन YUMN। ठीक है माशाल्लाह, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह से दुम्बो का जो शौक है ना बहुत ही अलग है, और मतलब सिलेक्टेड लोग ही या बहुत कम दिल्ली में शौक होता है लेकिन कम लेवल पर इसका जो है शौक होता है दिल्ली में। माशाल्लाह मैं दिल खुश हो गया भाई शौक देख के असद भाई माशाल्लाह से। तो असद भाई ये अभी जो है चारों हटाने के हैं शौक के हैं भाई? ये शौक भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमारी हमें कीमत मिलेगी इंशाल्लाह कुछ कम बढ़ती है 19-20 हम कर लेंगे, और अगर सही कीमत मिलेगी तो इंशाल्लाह निकाल। ट्रांसपोर्ट का क्या हिसाब किताब? ट्रांसपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा, पूरे इंडिया में कहीं भी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बाय ट्रेन हो या बाय ट्रेन हो, बाय गाड़ी हो, किसी से भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह हम करवा के। ठीक है सर भाई, अब देखे जरा दुम्बा बाहर खुलवा करके, अगर खुल जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, बोलो सर भाई। देखो मैं बाहर खुलवा करके देखता हूँ, पहले पकड़ लेना, जब मैं बोलूंगा तब लेके आना बाहर। ठीक है माशाल्लाह भाई मजा आ जाएगा भाई दुम्बा देखने में।
लेके आ रहे हैं हमारे चाचा है। अच्छा दुम्बे भी जो है ना हर किसी के हाथ पे चलते नहीं है, बहुत बड़ा भी अपनी मालिन के बिना चलता नहीं है तो मानना दे मानना दे मानना दे मानना दे भैया माशाल्लाह से देखो अब आ रहा है फ्रेम में तो खुल के भी आ रहा पूरा। असद भाई बच्चे साथ ही रहते हैं इसके और मादिन बनी हुई नहीं तो वो भी आ जाती। माशाल्लाह से असद भाई बड़ा अच्छा शौक दिखाया आपने, खुरेजी में शौक हो रहा है हमजा भाई के पास। तो टक्कर में तो आदमी को गिरा देता होगा ये। वो मादिन भी आ गई उसकी, ये रही मादिन। असद भाई एक बार नस्ल के बारे में और बताओ। नस्ल जो है तुर्की नस्ल है, प्योर तुर्की है, गोल चकली की है, चिरे पार्ट में। माशाल्लाह लाजवाब शानदार शौक है। इंसानी दुम्बा उज़ैफा, इसे भी शौक है। ठीक है सत भाई अंदर ले लेते हैं ना। ठीक माशाल्लाह से वीडियो को एंड करते हैं अभी, थोड़ा सा अंदर एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक है सर भाई डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है सारी, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगा, जैसा भी होगा लोग कांटेक्ट कर लेंगे आपसे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।